कल वहां गया था, नहीं बोलेंगे तो डिंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। मैं कल वहां गया था, आई वेंट देयर स्टडी, मैं कल वहां नहीं गया था, आई डिंट गो देयर स्टडी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इफ यू आर फाइन, सो आई एम ऑल्सो फाइन, एंड टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो या इसके पहले हम आप लोगों को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों प्रकार को बता दिया है अच्छे से। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से वीडियो को आप लोग जा करके देख सकते हैं। ओके, और कहीं से भी वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ये माने नहीं कि मेरा ही वीडियो देख करके आप लोग सीखें, कहीं से भी किसी का वीडियो देख करके आप लोग सीख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होता है, कोई भी टेंस यदि आप पढ़ते हैं तो आइडेंटिफिकेशन समझना जरूरी है। कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप लोग तो आइडेंटिफिकेशन ही समझना जरूरी होता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब समझना जरूरी होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और कौन सा मेन वर्ब यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, ता है, ती है, ते हैं, या आ था, ई थी, ए थे, ये जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। जैसे कि मान लीजिए हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें भी आ था, ई थी, ए थे आता है, और इसमें भी बताया जाता है पास्ट में आ था, ई थी, ए थे। तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आप दोनों टेंस को सिचुएशन के हिसाब से समझेंगे, सिचुएशन के तरह समझेंगे, जैसे सिचुएशन परिस्थिति के हिसाब से किस सिचुएशन में बोला जाएगा दोनों टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और पास्ट परफेक्ट टेंस को, तो आपको तनिक भी आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा यदि इस तरह से पहचानेंगे। ये तो मान लीजिए बात की बात हो गई, ता था, ती थी, ते थे, ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिचुएशन है, मेरा जो घर है वो रोड के पास में है, तो आप लोग जान ही रहे हैं तो वहाँ पर आवाज थोड़ा सा आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिचुएशन है गाइस, यहाँ पर टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट के जो है पास्ट में आप लोग क्या क्या किए। जैसे कि कोई भी काम यदि पास्ट में आप लोग करते हैं, जैसे मैंने खेला, मैंने वहां गया, मैं स्कूल गया, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पास्ट का एक्शन जो है पास्ट में कंप्लीट जो हो गया है उसी एक्शन को इसमें बताया जाता है। और यहाँ पर जो है पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है पास्ट हैबिट को। जैसे मैं खेलता था, मैं पढ़ता था, तो यहाँ पर ये पास्ट का जो हैबिट होता है उसको बताया जाता है। पास्ट के हैबिट को बताने के लिए एक और स्ट्रक्चर होता है, यूज टू का यूज किया जाता है, यूज टू। ओके, तो यहाँ पर जो है टाइम ड्यूरेशन भी होता है इसमें, कि जैसे वहां मैंने दो घंटा खेला, तो इस तरह से जो है पास्ट में टाइम का ड्यूरेशन भी बताया जाता है इस टेंस में करके। जैसे वहां मैंने दो घंटे खेला, आई प्लेड देयर फॉर टू आवर्स, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब जो इसमें होता है वो डिड होता है, क्या होता है, डिड होता है, और जो मेन वर्ब होता है वी2 होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वी2 जो आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको वी2 का यूज किया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस जब आता है, इंटरोगेटिव आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को डिड लगाना पड़ता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। ओके, तो चलिए हम आगे ये आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर। तो फ्रेंड, लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स, चलिए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। स्ट्रक्चर्स जो है गाइस, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में जो होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट वी2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वी2, यहाँ पर डिड नहीं आता है, वी2 आता है यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जैसे एग्जाम्पल में लिए, मैं कल वहां नहीं गया था, मैं कल वहां गया था, नहीं बोलेंगे तो डिंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। मैं कल वहां गया था, आई वेंट देयर स्टडी, क्या हो जाएगा, आई वेंट देयर स्टडी। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में जो होता है सब्जेक्ट डिंट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में क्या होता है सब्जेक्ट, यहाँ पर डिंट आ जाता है प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं कल वहां नहीं गया था, आई डिंट गो देयर स्टडी,
आई डिंट गो देयर स्टडी, मैं कल वहाँ नहीं गया था, ओके। तो उसी तरह से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो होता है यहाँ पर जो वाक्य होता है क्या से स्टार्ट होता है, तो डिड आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या तुम वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर स्टडी, डिड यू गो देयर स्टडी, क्या कल तुम वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर स्टडी, क्या कल तुम उससे मिले थे, डिड यू मीट हिम स्टडे, क्या तुम उससे कल मिले थे, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या तुम कल वहाँ नहीं गए थे, डिंट यू गो देयर स्टडे। तो यहाँ पर जब आप लोग पांचों सेंटेंस का जब यहाँ पर पहला अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे और उसका पांचों तरह से बोलेंगे, जब यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ पर WH फैमिली लगा करके, तो आपका ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है यहाँ पर डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीएन प्लस सब्जेक्ट, ये तो बता दिए। यहाँ पर WH फैमिली देखिए, तुम वहाँ कल क्यों गए थे, यहाँ पर जो होता है WH फैमिली पहले लगता है, डिड लगेगा फिर सब्जेक्ट लगेगा बीएन प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ओके। तुम वहाँ कल क्यों गए थे, Why did you go there yesterday? तुम वहाँ कल क्यों गए थे, Why did you go there yesterday? Okay? तुम वहाँ कल क्यों नहीं गए थे, Why didn't you go there yesterday? Okay? तुम उससे क्यों नहीं मिले थे, Why didn't you meet him yesterday? तुम उससे कल क्यों नहीं मिले थे, Why didn't you meet him yesterday? तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? Why didn't you go to school yesterday? तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे? Why didn't you go to school yesterday? ओके, तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। दिस इज द टेक्निक टू प्रैक्टिस गाइस। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, चलिए हम आपको कुछ सेंटेंस बोर्ड पर लिख करके आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ, इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि कैसे ट्रांसलेट होगा। यहाँ पर तो हम अपने मुंह से बोल करके बता दिए आप लोगों को, लेकिन जब तक यहाँ पर हम लिख करके आपको नहीं बताएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड लेट सी एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ पर यदि आप लोग एग्जाम्पल नहीं पाते हैं तो हमारा जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से यहाँ पर टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस शीट सेंड कर देंगे, वहाँ पर सेंड कर देते हैं प्रैक्टिस शीट को। तो मैंने उसे कल देखा था, तो ये कौन सा टेंस है, तो देखिए मैंने उसे कल देखा था तो आप लोग तो पढ़े ही रहते हैं देखा था, तो ये क्या है, पास्ट का जो है पास्ट में स्टोरी बताया जा रहा है। मान लीजिए किसी के सामने या किसी से बोलेगा मैंने उसे कल देखा था, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये स्टोरी बताने के लिए होता है, और स्टोरी कल का मतलब बीते हुए समय का बातें बताने के लिए होता है। तो मैंने उसे कल देखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I saw him yesterday, क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम स्टडे, इस तरह से मैंने परसों एक फिल्म देखी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव नहीं आया इसमें, तो क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने परसों एक फिल्म देखी थी, ओके, आई वॉच्ड अ मूवी डे बिफोर स्टडे, मैंने परसों कल एक फिल्म देखी थी, ओके, कल मैं अपने दोस्त के घर गया। यहाँ पर देखिए जो टाइम होता है इसके वाक्य के शुरुआत में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने अपने दोस्त के घर गया। स्टडे आई वेंट माई फ्रेंड्स होम। यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए किस कोई हमसे पूछ रहा है कि मतलब कल का बातें बताइए, तो हम जो बताए रहेंगे जहाँ पर गए रहेंगे वो बताएंगे, स्टडी आई वेंट माई फ्रेंड्स होम, यहाँ पर लिखे हैं उसकी बहन चाय बनाई थी, तो हो जाएगा हिज सिस्टर मेड टी, यहाँ पर प्रिपेयर टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मेड टी भी चलेगा, ओके, तो स्पोकन में चलता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हर सिस्टर मेड टी, ओके। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे, ओके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, तो कमेंट में बताइए मेरा यह वीडियो कैसा लगा, और हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइज, अभी हम भी उतना फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अंग्रेजी बोलने का, ओके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले दिन, सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो, प्लीज टेक केयर एंड बाय।